जी ओम। हाँ स्वामी जी, ओम ओम ओम। स्वामी जी, मेरा सौभाग्य कि आपसे बात हो रही है। जी नमस्ते भाई, बोलो। हाँ स्वामी जी, मैं ऐसा पूछ रहा था कि अच्छे जीवन के लिए क्या बातें जरूरी होती है, मतलब। अच्छे जीवन के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि अच्छी बात हमें अच्छी लगे और बुरी बात बुरी लगे। माने हम इसको बहुत आम भाषा में बोलते हैं, जब बुरी बात आदमी को बुरी ना लगे, अच्छी बात आदमी को अच्छे ना लगे, तो समझ लो आदमी के बुरे दिन आ गए। और जब हम देखिए, एक वेद का भी मंत्र है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भगवान का हाँ विधान, एक कहो या इसको जीवन का सत्य कहो, कि हर एक व्यक्ति के मन में पता है कि ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छे से आदमी जुड़ नहीं पाता, बुरे से आदमी हट नहीं पाता। एक लक्ष्मण रेखा खींच लें, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिस तरफ एक पग धरना नहीं, जो अशुभ है वो धरना नहीं। तो इसको कहते हैं मर्यादा। तो सबसे बड़ी बात है जीवन में विधि और निषेध। ये हमारे कॉन्शियस में भी होता है, वेद में मंत्र है, दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यं नृते प्रजापति, अश्रद्धां अनृते दधात् श्रद्धां सत्य प्रजापति। सबके आत्मा में एक परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया हुआ है, एक अच्छे और बुरे का। तो हम बुरे से हटे, बुरे से बचे, और जो शुभ है उसमें लगे रहें। और इस मर्यादा के साथ साथ एक बात और कहता हूँ, हमारा सामर्थ्य कम ज़्यादा हो सकता है, हमारे गुण कम ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे भीतर विशेषताएं कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सबके भीतर एक ही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव दिव्य आत्मा है, और हम सबका वही मूल स्वरूप है। तो अपने मूल स्वरूप से कभी हटे नहीं, बार बार अपने मूल स्वरूप को याद करते रहे, और परमात्मा को भी कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते रहें। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, जो कुछ पाऊं तेरा प्रसाद मान करके पाऊं, जो करूं तेरी पूजा मान करके करूं, जो देखूं सब में तेरा नूर दिखे, ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं, सब जगह एक भगवत दृष्टि मेरी हो जाए, मैं सदा ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित रहूं, इस तन में मन में आत्मा में बुद्धि में घर परिवार संसार में व्यापार में जो मुझे सामर्थ्य मिला है सब भगवान का मान करके स्वीकार करो, इस भाव में हम जीते हैं, तो फिर जो है जीवन में अपने आप एक सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य दिव्यता पूर्णता आने लगती है। इसको शब्दांतर से मैं कहता हूँ कि सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप, सब संबंधि में ब्रह्म समृद्धि ब्रह्म ऐश्वर्य, सब विजय में ब्रह्म विजय, ऐसा एक भाव जीवन में आ जाए तो फिर अपने आप जीवन जो है दिव्यता की ओर चलने लगता है। और ये योग आयुर्वेद स्वदेशी का और ये जो हमारी ऋषि संस्कृति का अभियान है जिसको हम वैदिक जीवन पद्धति कहते हैं, वो इसी के लिए है कि हम इस मार्ग पर यदि चलते रहेंगे तो जीवन में रोग तो आएंगे ही नहीं, बुढ़ापा आएगा ही नहीं, दुख जीवन में आएगा ही नहीं, जो कुछ होगा जीवन में वो शुभ ही शुभ होगा। लोग चाहते हैं जीवन में सुख, लोग चाहते हैं जीवन में स्वास्थ्य समृद्धि शांति ऐश्वर्य सुंदरता प्रसन्नता, लेकिन जो मूल कार्य उसको छोड़ देते हैं। इसलिए आयुर्वेद में कहा, सारी बीमारियों का कारण प्रज्ञापराध है, धी धृति स्मृति, इनकी विकृति प्रज्ञापराध है और ये सब रोगों का कारण है। इसलिए अपनी धी अर्थात अपनी बुद्धि, धृति जो बुद्धि में सही बात समझ में आई उसकी स्थिरता, और स्मृति अपने स्वरूप की स्मृति, आत्मस्वरूप की ब्रह्म स्वरूप की स्मृति, ये टूटनी नहीं चाहिए, ये ठीक रहेगी तो जीवन में कोई दुख नहीं होगा। तो जीवन के ऐसे तो बहुत सूत्र हैं, हमेशा आप प्रसन्न रहें, हमारी मति हमारी भक्ति हमारी कृति ये ठीक रहे, हमारी मति भक्ति और कृति ये ठीक रहती और हम प्रकृति से जुड़े रहते हैं, ये चार चीज़ें हमने समझ ली तो समझ लो ये जीवन समझ में आ जाएगा, ये जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। एक पुरुषार्थ समझ में आ जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका मूल ही पुरुषार्थ है, ये जीवन का सूत्र है। किसी भी तरह से हम जीवन को समझें, एक ही सत्य को हमारे ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से कहा है, तो हमारे जीवन में
सुख बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, हम स्वयं सुखी रहेंगे, औरों को सुख बांटेंगे। मैं आजकल एक बात कहा करता हूँ, शरीर से हम बलवान बने, सब बच्चों को समझाएं बचपन से ही, शरीर से हम बलवान बने, हृदय से हम श्रद्धावान बने, मस्तिष्क से हम ज्ञानवान प्रज्ञावान बने, साधनों से, धन से हम धनवान ऐश्वर्यवान बने, आचरण से चरित्रवान बने, तब हम भी महान होंगे, हमारा देश भी महान होगा। ये देश मेरे कण कण में है, हर जन में है, हर मन में है, देश प्रेम से भरा ये मन है, देश ये मेरा माँ की तरह है, मेरा निश्चय एक अटल है, देश को करना मुझको सफल है। हाँ, ये देश मेरे कण कण में है, हर जन में है, हर मन में है, ऋषियों का ये देश हमारा, ज्ञान का है एक पिटारा, देश की मिट्टी में ही असर है, देश को करना मुझको सफल है। हाँ, ये देश मेरे कण कण में है, हर जन में है, हर मन में है। अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे गीत अपने बच्चों को सिखाइए, अच्छी प्रेरणा अपने हृदय में हमेशा उठते रहे। कोई भी एक अच्छे विचार का आलंबन लेकर के हम जीवन जीते रहे तो जीवन में सुख ही सुख है।